Ya pues bien, hay que darle boca a lo que está boca. Lo que tú ni ahora es. आजादारी की दुनिया और है, हम लुटाते आए हैं हमेशा से। नामे हुसैन आया, हमने तकसीमना शुरू कर दिया। अय्याम आजा आ गए, हमने बांटना शुरू कर दिया। हुकूमत हाथों को मल कर कह रही है कि इन्होंने कमाया कितना था, इन्होंने कमाया कितना था और नामे हुसैन पर लुटा कितना दिया। शुरू कर दिया, एक सलवात पढ़े मिलजुल कर बुलंद आवाज से, उनका नाम आया, हमने लुटाना शुरू कर दिया। मालदारी की दुनिया में हमने कदम नहीं रखा, क्यों? मालदारी की दुनिया में इत्मीनान नहीं है। जिसके पास जितना पैसा ज्यादा होता चला जाता है, उसका इत्मीनान उतना ही कम होता चला जाता है। सही है, जिसके पास जितना माल ज्यादा होता चला जाएगा, उसके पास उतना इत्मीनान कम होता चला जाएगा। और आजादारी की दुनिया में हम हुसैन के नाम पर जितना लुटाते जाएंगे, हमारा इत्मीनान उल्टा बढ़ता चला जाएगा, हमारा यकीन उतना बुलंद होता चला जाएगा। तो मालदारी की दुनिया और आजादारी की दुनिया और। मेरे अजीजों, नाम आ गया हुसैन का, नाम जमा हो गए हम और आप। चांद देखा और चांद देखने के बाद से मुसलसल आजादारी कर रहे हैं हम और आप, मुसलसल नामे हुसैन पे जमा हो रहे हैं आप। मैंने पहली मजलिस में बयान किया था कि फजीलत है आपकी, मंजिलत है आपकी, बाफजीलत है आप कि नामे हुसैन पर जमा होने का मौका मिला है आपको। इसलिए खुश नसीब है आप, क्योंकि हर कसो नाकस को इस दर तक आने की तौफीक नहीं मिला करती। बेदार रह के सुने, मैंने मजलिस शुरू कर दी। हर कसो नाकस को इस दर पर आने की तौफीक नहीं मिला करती। लोगों के पास माल बहुत होता है, लेकिन पता ये चलता है कि मजलिस हुसैन में शामिल नहीं हो पाए। लोगों के पास मकान बहुत होता है, पता चलता है इमाम बारगाहों तक आ नहीं पाए। हर एक को ये खुश नसीबी नहीं नसीब होती, हर एक के नसीब में, हर एक के मुकद्दर में ये आजादारी नहीं होती। खुश नसीब है आप कि आपके मुकद्दर में आजादारी आई है। खुश नसीब है आप कि आपने अपना वक्त इमाम हुसैन के लिए दिया और आप यहाँ पर जमा हो गए। बहुत से लोग हैं कि जिन्हें बहुत सारी बातें यहाँ तक आने से रोक देती है, जाग के सुनिएगा तो सुनाऊंगा। बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत सी बातें यहां तक आने से रोक देती है। कौन सी बातें हैं जो यहां तक आने से रोक देती हैं? कहा वक्त की कमी होती है कि यहां तक नहीं आ पाते, वक्त की कमी होती है कि यहां तक नहीं आते, काम की मशगूलियात होती है कि यहां तक नहीं आ पाते, अकीदे की कमजोरी होती है कि यहां तक नहीं आ पाते। नहीं बोलते रहे तो सुनाऊंगा। अकीदे की कमजोरी होती है कि यहां तक नहीं आ पाते, खून की कमी होती है, कैसे पढ़ूं मैं, तहारत की कमी होती है कि यहां तक नहीं आ पाते। भाई आप क्या समझते हैं आसानी से आप यहां तक आ गए? नहीं, आसानी से कोई भी यहां तक नहीं आया। यहां आने से पहले बहुत सारे दरवाजे आपने पार किए तब यहां तक पहुंचे। कौन सा दरवाजा? इस्मत का दरवाजा पार किया तब पहुंचे यहां तक। बहुत से दरवाजे हैं,
قوم نے ایک منٹ کے لیے بھی یہ گارنٹی لے سکتی ہے کہ اس کی قوم نے اس ایک منٹ کو گناہ نہ کیا ہو؟ شاید کچھ نہیں بات کر رہا ہوں، خاموشی سے سن رہے ہیں، اگلا جملہ خاموشی سے نہیں سنیے گا۔ کیا کوئی بھی قوم ایک منٹ کے لیے یہ گارنٹی لے سکتی ہے کہ اس کی قوم نے اس ایک منٹ میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ کوئی اور قوم نہیں لے سکتی، آپ بتاؤ لے سکتے ہیں یہ گارنٹی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں جتنی دیر تک یہ ہزار پرچے پر بیٹھے رہے نہ جھوٹ بولا نہ کی باتیں کہا نہ غلط کہا۔ Yeah.
हमें और आप ही को बलन करने के लिए आए थे, हमें और आप ही को आजमाने बख्शने के लिए आए थे। अगर वो आज छोड़कर जमीन पर ना आते तो यकीन जाने कोई भी मदद की जमीन पर ना आती। नहीं जानते सुनिए ना तो सुनाऊंगा वरना खत्म कर दूंगा। अगर ऐसे बाहर आज छोड़कर जमीन पर ना आते तो कोई भी मदद नहीं। जमीन पर ना आती मोहल्ला
اب میں آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ زاریات اس کی آیت نمبر 55 جو میں نے کوٹ کی ہے, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سادہ سا ترجمہ ہے اور بالکل صاف خداوند عالم اعلان کر رہا ہے وَذَكِّرْ, تم یاد دہانی کراتے رہو, تم ذکر کرتے رہو. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ جو تم ذکر کر رہے ہو یہ تمہارا ذکر کرنا مومنین کو فائدہ دے گا. سنیں گے تو سناؤں گا. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, تمہارا ذکر کرنا مومنین کو فائدہ دے گا. قرآن نے مومنین کی شرط لگا کر زمانے کو بتا دیا, دیکھو ذکر کرو گے تو وہی آئے گا کہ جو مومن ہوگا. نہیں ایسے نہیں سناؤں گا, دیکھو تم ذکر کرو گے تو وہی آئے گا کہ جو مومن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. ذکر کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے, وجہ کیوں ہے؟ ذکر مومن کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے جب بھی ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں مومنین خوش ہو جاتے ہیں. فضیلت بانٹتی چلی گئی, سلمان آ گئے باپ فضیلت ہو گئے, ابو ذر آ گئے باپ فضیلت ہو گئے,
جو بات کو جو کہہ رہے تھے ہم کیا بات ہو گئی, پہلے میں تو فضیلت بانٹنے کے لیے آئے تھے, جو بھی ان سے قریب ہوا وہ فضیلت ہوا. ہم نے کہا آیت تم نے دھیان سے نہیں پڑھی, آیت میں شرط تھی مومنین کی, آیت میں شرط مومنین کی, اس در پہ وہی با فضیلت ہوگا جو مومن ہوگا. اور قرآن نے تو سورہ منافقون نازل کر کے پہلے ہی بتا دیا, تم اس بہکاوے میں نہ رہنا جو بھی ہے جو بھی آیا ہو
سے لے لیا گیا. شرف کی کمی تو نہ دیتے گئے. سلمان آ گیا باشرف عمر آ گیا جو بھی خلوص سے آیا ہے لیکن وہ اس کا
इधर हुसैन ये बातें कर ही रहे थे कि अंदर से एक कमाई से आवाज आई, मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। अब आवाज है आपकी बुलंद हो क्या दिखाई गई, किस तरीके से आपको समझेंगे मुझे नहीं पता। मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। आ गए हुसैन। हाँ गए नैना, क्या हो गया, क्यों याद किया? अजब जुमला कहा है हुसैन ने, तुम्हें तुम्हारे पाँव के बैलों के पर्दे की कसम। आवाज बुलंद हो जाती जाएगी। हुसैन ने आवाज दिए, भाई हुसैन ये कौन सी नदी है जब से अब यहाँ आए मेरे सर से बार बार चादर गिर। ये कौन सी नदी है मैं मेरा घर को बना में आ गया। यही हमारे शहर में लगाए जाएंगे, यही हमें कयाम करना है। हाँ खरीद लिया हुसैन ने जमीन को, खत्म कर दी मैंने, खरीद लिया हुसैन ने जमीन को। खरीदने के बाद बनी असर के लोगों को बुलाया है। जमीन को खरीदने के बाद बनी असर के लोगों को बुलाकर कहा, देखो मैं पहली मंजिल से कह रहा हूं, बड़ी अजमत है आपकी। हुसैन ने मौके मौके पर आपको याद किया है। दो मौके मैंने पहली मंजिल से बयान किए थे, इसे याद किया था। लीजिए ये तीसरा मौका भी सुन लीजिए। बनी असर के लोगों को बुलाकर माना बयान करके है, देखो अगर इस जमीन पर मेरा कोई जानने वाला है तो उसे तीन दिन इस जमीन पर मैं मार रखना। अजरकुम अल्लाह खैमे कहाँ लगेंगे? फरात के किनारे खैमे लगेंगे, फरात के किनारे खैमे नस्ब हो गए। इधर खैमे फरात के किनारे नस्ब हो गए थे, उधर फौजी अशी आ गई, खैमे को हटा दो यहाँ से। खैमे को हटाने की इंतमाम की गई, कहा खैमे यहाँ से हटाए जाए इसलिए कि हमारे खैमे नस्ब हो गए। इधर खैमों का हटाना था, कि आवाजों का सुनना था कि वो गाजी के जो बचपन से ये सुन रहा हो, बलंद हो जाने चाहिए आपके आवाज। वो गाजी के जो बचपन से ये सुन रहा हो कि उसे कर्बला के लिए तो बुलाया गया है, उसे कर्बला के लिए पैदा किया गया है, उसे कर्बला के लिए रोका गया है, उस गाजी को जलाया गया शमशीर से, शमशीर ने आग से निकाल कर खत कहकर आंखों में आगे डाल कर कहा, किसकी मजान, किसकी मजान के जो इस खत के आगे आकर निकाल है। इधर शमशीर निकली है, उधर हुसैन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने भाई को रोके। क्यों? इसलिए कि बहुत मतलब अपने भाई को रोक चुके थे। कहा था अपने भाई को रोका था जिस वक्त कूफे की मस्जिद में बाबा अमीरुल मोमिनीन के सर पे इब्ने मंजीर ने सलवात मारी थी। अब्बास आ गए थे, हुसैन ने रोक लिया था, भाई अब्बास अभी कर्बला नहीं है। हाँ रोका था हुसैन ने जिस वक्त भाई हसन के जनाजे पर तीर चले गए। जिस वक्त भाई के जनाजे पर तीर चले थे उस वक्त रोका था अब्बास को, अब्बास कर्बला नहीं है। आज जिस वक्त मदीने में बैत का सवाल हुआ था, अब्बास ने तलवार निकाली थी, हुसैन ने रोका था, किस मुंह से अब अब्बास को रोके। हुसैन से रोका न गया, खैमे में आ गए। ए बहन जैनब, अब मेरे भाई रोक नहीं सकता, अब अपने भाई को तुम ही रोको। ज़ैनब ने फिज़ा को दौड़ाया, ए फिज़ा जाकर कह दो ज़ैनब ने बुलाया है, और साथ में ये भी कह देना अगर आने में देर हो गई तो ज़ैनब खैमे से निकल। अजर को अल्लाह खत्म कर दी बातें, एक तो जुमले अल्लाह में हुआ, ए अब्बास अगर आने में देर हो गई तो ज़ैनब निकल आएगी खैमे से। वफादार है अब्बास, खैरदार है अब्बास, ये जुमला सुनना था, तलवार को दिया में डाल दी, खैमे में आकर हाथों को जोड़ दिया। ए शहजादी कोई खता हो गई हो ना उसे, बस एक जुमला कायदे कर दे। ए भाई अब्बास खता तो नहीं हुई, खैमे को पलाश से हटा लो, अब मुझे नहीं पता खैरदार अब्बास ने किस तरीके से खैमे को हटाया। जिन हाथों से खैमे नस्ब किए, उन्हीं
Thank you.